नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का अनुमान भी उतना ही अजीब और गरीब है जितना आपका ये खादिम इब्ने रसूल। तो इस वीलॉग या वीडियो का अनुमान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और पाकिस्तानी अवाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खुदावंद कदूस और हमारा ज़मीनी खुदा। वीडियो लंबी होती है तो इसलिए मैं अब तेजी से वीडियो की तरफ ही जाऊंगा। बंदा न चीज का तमाम उम्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे, उनके अंजाम के बारे अपना नुक्ता नज़र और राय रही है कि उनको जिंदा नहीं उठाया गया बल्कि वो यहीं अपनी मौत से हमकिनार हुए, जैसा कि हर जी नफ्स का यहाँ अंजाम होना है। कुरान पाक में भी जगह जगह अल्लाह पाक का इरशाद है कि जो भी ज़मीन है, ज़मीन पर मौजूद है चीज, इसे फना होना है, सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ने बाकी रहना है, जो अजल से पहले कायम है अब उसके बाद भी कायम रहेगी, बाकी सबको फना है। तो खुदा की कसम, इस बंदा के चीज ने कभी भी उम्र भर यकीन नहीं किया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर खुदा ताला ने उठाया है। मगर क्या करूं, अब मेरा ये नजरिया बदल रहा है। उसकी वजह यह है कि जब से हमारे ज़मीनी खुदा और उसके कहर के फिश्ता मैकाइल ने बलूचिस्तान और पश्तून बेल्ट को छोड़कर पंजाब के गांव, गोठ, शहरों, कस्बात, देहात से अपने शहरियों को जिंदा उठाना, भगाना, गैप करना शुरू किया है और रोज बरोज ये सिलसिला दराज से दराज तर और तवील से तवील तर होता जा रहा है। और तो और, मेरे बेटे आकाश राम की तरफ देखो, जो किसी भी इल्हामी किताब पे यकीन नहीं रखता, ना कुरान मजीद, फुरकान मजीद पे, ना तौरात पे, ना जबूर पे, ना अंजील पे, बल्कि वो तो अपनी गीता भगवत पे यकीन रखता है, अपनी उसे क्या कहते हैं, महाभारत पे यकीन रखता है, रामायण पे यकीन रखता है। तो हमारे फरिश्तों ने उसे भी हजरत ईसा जैसा समझ के 11-12 दिन से घर से जिंदा उठा लिया है ना। वाह फरिश्तों, वाह, क्या बात है आपकी। तो जनाब, अब मेरा हजरत ईसा के अंजाम बारे अकीदा तब्दील हो रहा है बहुत तेजी से, बल्कि तब्दील हो चुका है, क्योंकि मैं सोचता हूं जब हमारा ज़मीनी खुदा और उसका मुसाहिब खास, उसका मुसाहिब खास कहर का फरिश्ता मिकाइल और उसके हरकारे, वो सलेडे, सतूंगड़े, शैतान या छोटे छोटे जिन, वो किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी वक्त कहीं से भी राह चलते दफ्तर से, घर से जिंदा उठाकर गैप कर सकते हैं। उस खाल के कायनात के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे जिंदा उठा लेना कौन सा मुश्किल अमर था या है। मैं दोस्तों, इसके अलावा अक्सर सोचता हूं कि अगर खाल के कायनात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला आज से 2-2.5 हजार साल पहले करने की बजाय उससे उसमें तवक्कुफ कर लेते, अल्लाह पाक उसे मक़ूफ़ कर देते और आग पे रख लेते, तो क्या था उसके, अल्लाह पाक को दो फायदे होने थे। एक तो खालिक़े कायनात हजरत ईसा को खुद उठाने की कोशिश से बच जाते और हमारे ज़मीनी खुदा के नायब ही काफ़ी थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे मरिंजा मरिंज नबी को उठाने, भगाने, जायब करने के लिए या शहीद करने के लिए। तो
तो ये तो खाम खा अल्लाह पाक ने ये मतनाज़ा मामला बनाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाने से। दूसरा दोयम, ये मामला इतना मतनाज़े ना होता, इसमें इतना अवहाम भी ना पैदा होता, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया कर आसमानों पर ले जाया गया या उन्हें इधर ही उनके मुखालफीन ने शहीद कर दिया। और ये भी मुमकिन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे उनकी शहादत या उनका उठाया जाना यरूशलेम से, जो एक मुकद्दस तरीन शहर है, बाबरकतों वाला शहर है, अल्लाह के फरमान के मुताबिक कराने बात हुई, वहाँ से ना उठाया जाता या वहाँ शहीद ना किया जाता, बल्कि हमारे महरीन छोटे छोटे फरिश्ते वो यरूशलेम और अफ्रीका साथ साथ हैं, मिस्र और जो इसराइल है अब इनकी आपस में सरहद मिलती है सराय सीना की तरफ, तो वो साथ ही तो है हमारे महरीन फरिश्ते इसमें काफ़ी महर हैं। हज़रत ईसा को मुकद्दस जगह से भगा कर उनका हंगा करके अफ्रीका में ले जाते और वहाँ कहीं बे आबो गया जगह पे, कहीं उजाड़ जगह पे उन्हें ले जाकर वहां क्या कर देते या शहीद कर देते। तो शायद अल्लाह पाक को यही मंजूर था और ऐसे ही होना था, क्योंकि होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, होनी तो होकर रहती है। ये भी नहीं इलम के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले उठाया गया फिर शहीद किया गया, या शहीद करने के बाद कहीं उठाकर उनकी मुकद्दस लाशें मुबारक कहीं इधर उधर किया गया, ये तो हमारे माहरीन ही बता सकते हैं जो इस काम में यदे दूल्हा रखते हैं। जब जैसे कहते हैं ना होनी होकर रहती है, वो तो होकर रह गया कोई शक नहीं, लेकिन यकीन जानिए होनी के साथ साथ अनहोनी भी होकर रहती है। और मेरा खुदा परवरदिगार पे मुकम्मल यकीन ईमान है, पाकिस्तान में मकबूजा पाकिस्तान में मेरे भाई बेटों को जो लोग बेगुनाहों को मासूमों को अपनी अनाह की खातर या माल और दौलत की खातर उठाते हैं, गैब करते हैं, भगाते हैं, तशद्दद करते हैं, उनकी तजलील करते हैं, इससे नफ्स तार तार करते हैं, इंशाल्लाह मकाफाते अमल है, उनके साथ भी अनहोनी होकर रहेगी, आपकी नज़रों के सामने होगी, इंशाल्लाह आप उनको निशाने इबरत बनता देखेंगे, इंशाल्लाह ये मेरी दुआ है, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर मुनसिफ है, वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, ना उसे मालो दौलत का लालच है, ना उसे उहदा तरक्की का लालच है, ना वो अपनी अनाह के लिए किसी को इस तरह करता है। तो फैसला वक्त पे छोड़ते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा ज़्यादा ताकतवर है या हमारा ज़मीनी खुदा और उसका मैकाल फरिश्ता और उसके बाकी छोटे मोटे फरिश्ते ये ज़्यादा ताकतवर है। अभी चरख की आँख में ये तमाशा देखना है, इंशाल्लाह ये हम भी तमाशा देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज वसाले जाएंगे, इंशाल्लाह वो वक्त आ पहुँचा। अल्लाह पाक मकबूजा पाकिस्तान को आज़ाद पाकिस्तान बनाए, अल्लाह पाक हम गुलामों को हतमी हकीकी आज़ादी हमारे हकूक नसीब फरमाए। यकीन जानिए खुदा की कसम जो ये दिवालिया मुल्क है, यही खुशहाल तरीन मुल्क होगा, यही मजबूत तरीन मुल्क होगा, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, यहाँ अदल और इंसाफ हो उसकी सरजमीन पे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, यहाँ अदल इंसाफ ना हो, कानून हो तो कानून तो डॉक्टरों का हथियार है, वो हम गुलामों को गुलाम बनाने के लिए कानून बनाते हैं। इसके साथ ही जा चाहूँगा हज़रत
ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा जाने और हमारा ज़मीनी खुदा जाने की आपस में है, हम तो देखने वाले हैं, तमाशा होना है इंशाल्लाह और ज़रूर होना है, लाजम होना है और फिर लाजम है कि हम भी देखेंगे। इसके साथ ही याद चाहूँगा वीडियो फिर तो ये होगी, आज़ादी दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।